दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये कहाँ पे है, ये जो है आपका ये जो बाईपास रोड देख रहे हैं वो रोड है ना, लखीमपुर बाईपास रोड, वहाँ का जो ख़राब रास्ता जो मिलता है वो ख़राब रास्ता का वहाँ से एक कट है, वहाँ में बोर्ड है, अचानक से आने से पता नहीं चलेगा, तो वहाँ से घुसने का रास्ता है। यहाँ पे है ये मानताई रिजॉर्ट, हम लोग भी पहली बार आ रहे हैं। क्यों आ रहा है, भूख लग रहा था और चेकआउट करने के लिए आया था, क्योंकि हर एक नया चीज़ जो थोड़ा एक्सपीरियंस भी करके देखना है, सो दैट बाकी दूसरा लोगों को रिकमेंड कर पाए। अच्छी तरह है, बाइक पार्किंग इस तरफ है, कार पार्किंग उस तरफ है, वहाँ मेरा गाड़ी पार्क कर लिया है। तो ये एंट्री देखो कितना बढ़िया है, इस तरह से घुसता है एंट्री, ये पूरा रात को चमकता होगा, लाइट वाइट है, देखो एकदम राजा वाला फीलिंग है। ये एंट्री ये है अंदर का, नितिन निके तीन बस इन भर तो ऐसे ना अलग सीट बनाया। ये देखो ऊपर में पूरा लोकल राजस्थानी छाता वाता है डिजाइन, अंदर में ऐसा मिलेगा, कैबिन कैबिन भी है, ओ ट्रेन भी जा रहा है ना, रेलवे ट्रेन भी है, ये इस तरह है, देखिए डोरेमोन है, कैबिन है, कैबिन भी इस तरह का है, काफ़ी बढ़िया है। ये देखने में छोटा लगा था लेकिन बहुत बड़ा है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस पंद्रह केबिन है। गार्डन वार्डन अच्छे से क्या है, प्लांटेशन पूरा, मानताई रिजॉर्ट वंस अगेन देख लो, मानताई मानताई ये बढ़िया है बोलते। अच्छा किड्स प्ले रूम भी है, ये गार्डन सब कुछ है, काफ़ी बढ़िया जगह है, टेंट वेंट करने के लिए भी, पिचिंग करने के लिए भी एरिया है। तो ये है अपना मानताई रिजॉर्ट, तो यहाँ का लोकेशन काफ़ी बढ़िया है, अंदर का सब बढ़िया है, अभी खाना कैसा है वो देखना है, तो खाना ऑर्डर करने जाते हैं, क्या क्या खाना मिलेगा आज देखते हैं, इसका खाना टेस्टी कैसा है, क्योंकि हर रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट में सबसे इम्पोर्टेंट खाना होता है, लोकेशंस तो होता ही है लेकिन इम्पोर्टेंट खाना होता है, तो खाना कैसा है देख लेते हैं। चलो खाना जब ऑर्डर करेगा तो आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह का खाना हम लोग ने ऑर्डर किया था, किया है और किस तरह का खाना है, टेस्ट में कैसा है, सब रिव्यू बताते हैं। तब तो ये आसामी थाली दो करो, चिकन फ्राई हमको चिकन करी कर दो ना, आसामी प्लेट है एकरा जिल खाजे हेरा थे वो हेरा थे, हां हेरा थे, आको एक्स्ट्रा का माने ना है तो तिटिया होले एने का करबे एकटा स्टीम राइस हां ना, आरो डक 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 करी था डक करी, आरो मुके आसामी थाली दे दे, आरो तड़का डाल डाल तड़का अपना एकदम आसामी प्लेट आटा तब राइस आटा एक एक्स्ट्रा के और डक करी आटा और डाल तड़का आटा। यहाँ पे जितना भी प्राइस है आप देख लो, काफी रीजनेबल है, काफी इतना कॉस्टली भी नहीं है, इतना चीप भी नहीं है, तो हमेशा जैसा देश वैसा भेस जैसा बोलते हैं, तो उस हिसाब से आज हम लोग यहाँ का स्पेशल है, यहाँ में मानता है स्पेशल प्लेटर्स, तो प्लेटर्स में इंडियन प्लेटर है जहाँ पे आपको मिलेगा वेज पुलाव, रोटी, चिकन बटर मसाला, उसका चिकन फ्राई सलाद 400 रुपीज़ में, तो यहाँ में एक थाली का है 400 रुपये। तो चाइनीज़ प्लेटर में आपको मिलेगा वेज फ्राइड राइस, वेज चाओ, चिल्ली चिकन,
चिल्ली चिकन ये डी है, एक जो ड्राई है, एक ग्रेवी है जी, उसके बाद सलाद। तो आसामिस प्लेटर में मिलेगा आपको राइस, रोटी, दाल, चिकन फ्राई, फिश करी, सलाद, 400 रुपया इसका भी। तो हम लोग ने मंगाया है आसामिस प्लेटर, तो देखते हैं आसामिस का स्टाइल में किस तरह का टेस्ट होता है यहाँ पे, क्योंकि इन लोग का जो स्पेशल है, जब भी आप कहीं होटल या रेस्टोरेंट में खाने जाते हो तो एक बात का ध्यान रखिए कि उन जो भी रेस्टोरेंट है उनका जो स्पेशल है उसको आप मंगा के खा लिए, अगर वो अपना स्पेशली टेस्ट से ना बनाए तो दूसरा क्या बनाएगा। इसीलिए ये है केविन राउंड अबाउट, ये जो मेन रिसेप्शन सेंटर है, ये जो बड़ा सा घर है, बाकी सब केविन केविन, छोटा मोटा केविन केविन है, काफ़ी खूबसूरत है लोकेशन। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सब आइए यहाँ पे और एक बार एक्सपीरियंस करिए, और ये सब कुछ तो देख लिया है, काफ़ी अच्छा है, फैमिली के लिए भी अच्छा है, कपल्स के लिए भी अच्छा है, दोस्त लोग के साथ भी आने के लिए अच्छा है। सिर्फ एक प्रॉब्लम अभी, फूड कैसा है वो जान लेते हैं, तो फूड आने के बाद आपको बता देंगे कि किस तरह का टेस्ट है। और बिल्कुल ये पैसे के हिसाब से 400 रुपया पर प्लेट के हिसाब से सही है कि नहीं है उसको बता देते हैं। कौनी बोली आपका खेलने वाला भर्ती है, देखो ठंडा पानी, नॉर्मल पानी, एक तो नॉर्मल ना दो। ये जो दमानताई रिजोर्ट का सबसे पहला लस्सी ट्राई करते हैं, अक्सर बहुत सारा जगह में ये लस्सी जो पंजाबी ड्रिंक होता है, ये भी मतलब अल्कोहल नहीं लेकिन ऐसे कोल्ड ड्रिंक और बेवरेजेस है लोकल पंजाबी वाला, लेकिन ये हर जगह मिलता है। लेकिन हर जगह में एक चीज़ प्रॉब्लम है, लस्सी जो हर जगह सही ढंग से नहीं बनाता है। तो यहाँ देखते हैं मानताई का फर्स्ट ऑर्डर जो लस्सी है किस तरह का है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो ऑल द बेस्ट मानताई। कुछ पेड प्रमोशन नहीं है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बहुत टेस्टी है। चीयर्स लस्सी, 10 out of 8.5 13। टू माई सरप्राइज मेन्यू चेक करते करते जब देखा तो अलग किस्म का एक मेन्यू भी, अक्सर होता है ऐसे दो टाइप का मेन्यू भेजते हैं, एक होता है फूड के लिए जो ये मेन्यू है, दूसरा है ड्रिंक्स के लिए जो अपना बिरादरी का है, जो ये मेन्यू पसंद है वो भी इधर आ सकता है। तो इसका रेट कैसा है थोड़ा सा दिखा दे सकते हैं, रिजनेबल है काफ़ी ना नहीं है चेक करते हैं। तो बियर से शुरू कर देगा, किंग फिशर 500 ml जो है 120 rupees है, और 650 ml जो है 140 rupees है, बडवाइजर 160-180, मतलब काफ़ी ठीक है, रेट काफ़ी ठीक है। उसके बाद चलो विस्की, रम की चलो विस्की में देखते हैं। वेट 69 जो है 750 ml का 1420, मतलब एक फुल बोतल का 1420, ख़राब नहीं है। जिम बीम का एक फुल बोतल का है 1850। तो इधर से पता चल जा रहा है कि वो रेट बहुत ठीक रीजनेबल है रेट, और यहाँ पे आके फुल टल्ली होकर पी, सेटिस्फेक्शन तक पी सकते हैं। देवो
এটো কিমান বছর হল গল হয়তো রেজর্ট তো এটো 3 বছর 3 বছর না কিমান কিমান বাজিতে খুলে হয়তো আ 9টা বাজে খোলা রাতি হ্যাঁ রাতি পর 9টা বাজে রাতি 9টা বাজে খোলা থাকে আচ্ছা 12 ঘন্টা না হ্যাঁ 12 ঘন্টা यहाँ कैंपिंग से भी करे हाँ पारे पारे ना हम विंटर ते प्लान बनाम ना एकदम हाँ रहा हमारा ऑर्डर आसामीज थाली ये होता है आपको इधर इधर सामने इस साइड आसामीज प्लेटर ये मेरा आसामीज प्लेटर है काफी हाइजीनिक वे में दिया हुआ है देखो पूरा फुल्ली दूर से लेके आता है तो धूल मिट्टी नहीं घुसने के लिए क्योंकि केविन केविन है तो डेफिनेटली बाहर का हवा से थोड़ा गुजर के आना पड़ता है तो काफ़ी पॉलिथीन रैप है प्लास्टिक रैप है तो कंप्लीट हाइजीन को बहुत ही केयर करते हुए सर्व किया है विच इज़ नाइस एंड वेरी अप्रोप्रिएट सॉरी टर्म्स भूल जाता है कभी वर्ड का और ये क्या है ये भी कुछ है मीट का है कुछ ये चावल है अच्छा चावल है ये भी कुछ है सामान सब यहाँ शिफ्ट कर देगा इधर उधर ताकि इधर न खाने के लिए यहाँ पानी सानी सब शिफ्ट कर देता है यहाँ में है पूरा हमारा रेडी असम स्प्लैटर उसके लिए फ्राइड राइस स्टीम राइस डक मीट भी है डक मीट हम भी खा रहे हैं क्योंकि प्रेशर है मेरा हाई प्रेशर तो हाथ धो के आते हैं तो इस तरह से जाना पड़ेगा क्या हाथ धो लेते हैं ज़रा क्लोज आ गया तो इस तरफ तक आना था यहाँ लग जाता है हाथ धो लिया फर्स्ट बाइट लेने का समय आ गया ये देखो मेरा बच्चा जो क्या कर दे रहा है पूरा खराब कर दे रहा है देखो ये देखो ऊपर से दबा के तो इसको खोलते हैं अनरैप करते हैं चलो ये रहा हाइजीनिक वे में दिया रे फर्स्ट बाइट ले लेते हैं उसके बाद थोड़ा देखते हैं ये फिश करी है तो जैसे कि प्लेट में लिखा था फिश मिलेगा ड्राई चिकन तो ड्राई चिकन है फिश है रोटी है दाल है तो मैंने तड़का भी मंगाया है ये तड़का दाल हमको बहुत पसंद है तो फिश से ट्राई करता है पहले वैसे फिश तो खाता नहीं लेकिन ट्राई करने में क्या अच्छा ट्राई किया था पहले इसको फिर करी के साथ बनाया चावल भी अच्छा है अभी चिकन ट्राई कर लेगा नींबू निचोड़ दिया चिकन ट्राई करता है ये चिकन ट्राई कर ला ड्राई है चिकन तो ना क्या एक्सपेक्ट कर सकता है लेकिन काफ़ी अच्छा है एकदम बेस्ट नहीं है लेकिन इतना वर्स्ट भी नहीं है बढ़िया है Worth it. प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो गया कौन से 250 मैक सही प्राइस होना था एनीवे तो हम खाते रहेंगे बाकी का रिव्यू बाद में गाड़ी में चलते चलते देगा फिर यहाँ से दूर है हमारा घर और अनदर 1 आवर का ड्राइव होगा ऑलमोस्ट 1 आवर 45 मिनट्स का ड्राइव होगा तो बाय तो अभी खाना खा लिया है तो जा रहे हैं और कुछ पैकिंग के लिए गया
कुछ खा नहीं पाया। टिकते हैं बहुत, काफी देर से पार्किंग है, खत्म हो गया होगा। तो आज ये द मंताई रिजोर्ट का जो खाना है वो काफी एवरेज वाला था, नॉट दैट बैड, नॉट दैट गुड, अच्छा था। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो आप लोग सब लोग वीडियो में देख चुके हैं कि किस तरह का है ये, मतलब अंदर का एस्टेब्लिशमेंट किस तरह का है और फूडिंग सर्विंग स्टाइल किस तरह का है। तो ये खाना काफ़ी मतलब एवरेज एवरेज है। तो इधर आइएगा आप लोग एक बार ट्राई करने का। तो मैंने इधर पूछा भी है कि कैंपिंग कर सकता है क्या, तो कैंपिंग भी कर सकता है, तो कैंपिंग का प्रोग्राम भी इधर बना सकता है। तो ये बाहर जाने का रास्ता, यहाँ में दोनों इधर हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। खाना कैसे था? अच्छा था, थक गया, नींद आ गई। तो अभी हम मंताई से निकल रहे हैं, मानता है। तो आज मान दिया कि एसी लगाया, इतना खोपचे में ये रिजोर्ट है कि दिखाई नहीं देता है, लेकिन आज एक्सपीरियंस के लिए घुसा तो अच्छा था। हाँ, नहीं चलो जा रहे ना, घर जा रहे पहले। तो ये रास्ता जो है, ये जो है लखीमपुर बाईपास घुसने वाला रास्ता, तो यहाँ में ही था ये मंताई, जब मंताई रिजोर्ट। तो ये रास्ता जो काफी ऊबड़ खाबड़ वाला है, ये देखो, आ रहा है तो चिंता नहीं है। I'm going to go to the hospital.